हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक फटी पर नॉलेज। फटी पर नॉलेज में आपका स्वागत है। तो मैंने आज जीएस का 13वां क्लास है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज जीएस का। जीएस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रेलवे से लिया है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल के जीडी में पूछे गए थे वो लिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1877 ईसा पूर्व में इम्पीरियल इम्पीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े का पहनकर कौन गया था? हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े को पहनकर कौन गया था? जेबी जोशी जी गए थे। जेबी जोशी जी गए थे। इबन बुत्ता, इबन बुत्ता किसे शासन काल में भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? वो थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक थे। किस बहमनी शासक के द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था? वो थे मोहम्मद आदिल शाह। तो फिर से याद रखें, किस बहमनी शासन के द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था? वह था मोहम्मद आदिल शाह। शक संबत किसने और कब शुरू किया गया था? वो शुरू किए थे कनिष्क ने और 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था। बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? वे हैं हिंदू महासभा से। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है जल, इस वजह से वह जल्दी ही खराब हो जाती है। अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? वो है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है अरक्ता। अमीबा पेचिस पैदा होती है एंटी अमीबा हिस्टियोलोटिका द्वारा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितने बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे वो उतनी बार वह खड़ा हो सकता है। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पर वायु दब कम हो जाती है। वायु के कम दबाव के कारण हमें ज़्यादा कठिनाई होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है SSGD में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए प्रश्न। तो चलिए SSGD वाला भी कर लेते हैं। बिन संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। यूएसए में कैसी सरकार है? संघीय सरकार है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? वो है 395 अनुच्छेद। चलिए ये कुछ लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। संघ सूची एवं राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायक के मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसा मद हो सकती है जिसकी उल्लेख किसी भी ने ना हो, उस मद को कानून को कौन बनाएगा? केवल संसद बनाएगा। उस मद को कानून को केवल कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो है संसद की ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में कुल शामिल हैं ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। त्रिस्तरीय में ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद शामिल है। वित्तीय आपत स्थिति में किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? वह किया गया है अनुच्छेद 360 में लागू करने के। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यूरोप संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? यूरो। यूरोप की मुद्रा यूरो है। तो अभी तक भी याद रखेंगे। तो मैंने आज का जीएस का सारा क्वेश्चन करवा दिया है। तो ये 54 नॉलेज को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो कि काफ़ी हर एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।